हाँ जी, यूनिट 7 का अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण तो तुहाडा की भाव है? इस दे विभिन्न अभिकरणा या संस्थावां साधना या एजेंसियां दा वर्णन करो। हुण जे समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया की गल करिए, यह कोई सौखी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत औखी प्रक्रिया है, जिस दे विच कई तरह दे संस्थावां अपना अपना योगदान पांदियां हन। तां इह संस्थावां जो हुंदियां हन, जिस तरह की वह प्रक्रिया सिखांदियां हन या अपनी संस्कृति बच्चों नूं या समाज के रहने वाले लोगों को सिखाया हैं, उससे ही आधारित होंगे है कि सानू सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो यह संस्थावां दे विच कई तरह के समूह आते हैं, जिवें परिवार हो गया, स्कूल या साढ़े कोल एसोसीएशन की गल करिए, खेडां हो गई, तो कई अजिहे संस्थावां हैं जो एक बच्चे को समाजिक प्राणी बनांदियां हैं। सब तो पहला साढ़े कोल आती है परिवार। तो परिवार को जी असी एक समाजीकरण बनाने वाली संस्था के रूप में देखिए, तो असं कह सकते हाँ परिवार के रह के ही बच्चा ये सारा ज्ञान करता ज्ञान लगता है कि केड़े केड़े काम उन्हें करने हैं, केड़े कामों करे तो उन्होंने नुकसान हो सकता है या समाज के किमें की भूमिका निभा सकता है। उसका परिवार ही उसका विकास करता है। बच्चे का किसी भी तरह का विकास करना हो शुरुआत वो परिवार तो की जाती है। वो अपने आप को सब तो सुरक्षित कितने मानता है परिवार के परिवार के जिमें जिमें वो अपने मैंबर जिमें का व्यवहार करते हुए देखता है या जिमें भी वो कम करते हैं उन्होंने देखता है तो उन्होंने नकल करता है, नकल करता होया ही वो वड्डा हो के वह सारिया चीज़ा करता रहा है। तो सब तो बड़ा जिहड़ा योगदान दिता है साडे समाज के परिवार सब तो वड्डा योगदान दिता है। कोई भी व्यक्ति चंगा है या माड़ा है वो सिक्ख्या उसको कितों मिलती है? अपने परिवार से मिलती है। उस तो बाद जो साढ़े को आता है वह है खेड या क्रीड़ा समूह। हूँ जो खेड की गल करिए, जो बच्चा घरों बाहर निकलता है तो वह खेडन दे ही होर बच्चों के कोल जाता है, होर बच्चों के संपर्क में आता है। तो अलग अलग परिवार के कई सारे बच्चे इकट्ठे होंगे ने, अलग अलग ढंग बोलते हैं, अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हां सब दा मिजाज अलग हुंदा है, अलग अलग रुचियां हुंदियां ने, उन्हां दे घरां विच अलग अलग रीति रिवाज हुंदे हन जिन्हां नूं वो मन्नदा है। तो काफ़ी सारिया मुश्किलों के लंघ के बच्चा खेडदा है, उन्हां तों ही वो कला सीखदा है। कला उन्हां नूं कई तरह दी आउंदी है, जिवें खेड दे विच कला अपने तो बाहर रहिंदे हुए व्यक्तियों दे नाल रह के किवें कम कर सकदा है, कम किवें इकट्ठे रह के किया जा सकता है, समाजिक संबंधों नूं परिवार के दायरे तो बाहर किवें फैलाया जा सकता है, ये सारा कुछ कित्थों सीखता है? परिवार तो बाहर जाके खेडां दे विच जां ग्रुपां दे विच रह के सीखता है। इस तो बाद साडे कोल जिहड़ा आंदा है गुआंढी या होर वड्डे बजुर्गों का समूह। हुण जे गल करिए गुआंढियां दी, तां व्यक्ति दी व्यक्तित्व दे विच महत्वपूर्ण जो योगदान मिलता है वो गुआढ़ियों वालों सब तो वध मिलता है। वो जिहड़े गुआढ़ियों या होर वड्डे बजुर्गों के संपर्क में आता है तो उसके सामने कई तरह के अनुभव पेश होंगे ने, तो वह उन्हां अनुभवों तो या एक्सपीरियंस तो सीखता है कि किहड़े आदर्शों मन के वह अपने जीवन में चंगे राह ते पा सकता है, समाज की तरक्की दे विच अपना योगदान पा सकता है, किहड़े ढंग यूज करके वो अपना समा बचा सकता है या अपने समाज का विकास कर सकता है। इस तो बाद जो साढ़े को आता है जाति वर्ग। हूँ जो जाति की गल करिए वर्ग की गल करिए, साढ़े समाज के कई तरह के ने, एक तरह की जाति नहीं या एक तरह का वर्ग नहीं है। हर वर्ग के अपने नियम अपने निर्देश के प्रतिबंध होंगे ने, इन सारों वो मानता है, रहा एको समाज के एको तरह क्रियावां करता है, पर हर क्रिया करने के लिए उन्होंने अलग अलग नियम होंगे ने, अलग तरह के निर्देश होंगे ने जिन्हों वो मानता है तो अपने समाज के समाजीकरण की भूमिका निभाता है। उस तो बाद जो साढ़े कोल आता है भाषा, तो भाषा साढ़े कोल सब तो महत्वपूर्ण साधन है समाज के। हुण जे असीं अपनियां भावनावां किसी होर नूं दसनियां ने, किसी सामने अपनी किसी भी चीज़ का एहसास दिवाना है, तो असीं भाषा यूज करते हाँ। भाषा पशुओं के कोल नहीं होंदी, सिर्फ इंसानों के कोल होंदी है। तो भाषा सीखने तो बाद ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है,
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ।